ख़तरनाक खबर सुनने को मिली है कि अटैक हुआ है इमरान खान के। आज 7वां दिन था लॉन्ग मार्च का, तो इसके ऊपर उनके कंटेनर के ऊपर फायरिंग हुई और उनको भी मतलब चोट वोट लगी है, एक इंसान ख़त्म भी हो गया है, ऐसा कुछ सुनने को मिला है। वीडियो देखते हैं, बाकी बात बाद में करेंगे। बाकी लेटेस्ट अपडेट आप भी देख सकते हो जो इसमें नहीं होंगे, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इमरान खान के हवाले से असद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बता रहे थे कि उनको बुलेट लगी है, उनकी टांग में जख्म आया है, उनको इस वक्त लाहौर शिफ्ट किया जा रहा है, बाय रोड वो लाहौर जा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने बताया कि फैसल जावेद और इमरान इस्माइल, अच्छा ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, इस शख्स के हाथ में हथियार है आप देख सकते हैं, हाँ, और ये शख्स फायर करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आई है सामने, और ये किस मकाम पर है, कितना करीब है कंटेनर के, अभी इस वाले से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस फायरिंग के नतीजे में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जख्मी हुए हैं, उनकी टांग पर बुलेट लगी है। असद उमर ने इसे कंफर्म किया है ARY न्यूज से गुफ्तगू करते हुए, और इमरान खान को लाहौर ले जाया जा रहा है। और वो ये बताते हैं कि उनकी पार्टी के अहदेदार हैं मोहम्मद अहमद चट्ठा, उन्हें ज्यादा उनकी जो इस वक्त कैफियत है, उन्होंने कहा कि उनको ज्यादा जख्म आए हैं, जबकि इमरान इस्माइल फैसल जावेद, आप ये देख रहे हैं आगे हमलावर है और उसके पीछे एक शख्स रोकने की कोशिश कर रहा है, रोका है उसने, और उसी की इस कोशिश की वजह से जो ये बुलेट्स लगी हैं, जो खत्ते आ रही हैं, किसी को गुजरती हुई छूती हुई लगी है और किसी को पैरों पर लगी है, इस शख्स की कोशिशों की वजह से आप देख सकते हैं मंजर, ये शख्स जो फायरिंग कर रहा है और इसने इसके हाथ में हथियार नजर आ रहे हैं, जबकि पीछे खड़ा शख्स इसको जो कि इंतहाई क्लोज है वो इसको नौजवान ने फौरन ही उस हमलावर को जो है गन को नीचे की तरफ किया, जिसकी वजह से जो है कोई जो है बड़ा जो है हमला नहीं हुआ। ये वो पीटीए कारकुन है जिसने कोशिश की और हमला रोका और जिसकी वजह से ये बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। आप मनाजिर देख सकते हैं, पीटीए के कारकुनान हैं, उसको चूम रहे हैं, उसको कंधों पे उठाया हुआ है। इसी जो पीटीए के कारकुन है उसने फौरन जो हमलावर था उसके गन को ऊपर की तरफ किया और जिसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, और 4 से 5 जो लोग हैं वो जख्मी हुए हैं। जैसे ही हकीकी आज़ादी मार्च वज़ीराबाद पहुंचा था, जो सूरत हाल सामने आई, असद उमर से भी हमारी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि इमरान खान को गोली लगी है, उनकी हालत फिलहाल बेहतर है, फायरिंग में 6 लोग जख्मी हुए हैं, हमारे रहनुमा अहमद चट्टा शदीद जख्मी हैं। असद उमर ने कहा इमरान खान को लाहौर ले जाया जा रहा है, फायरिंग के वक्त मैं कंटेनर के नीचे था, हमारे रहनुमा अहमद चट्टा और मैनेजर राशिद शदीद जख्मी हैं, इमरान खान को एक गोली लगी है, उनकी हालत फिलहाल बेहतर है। असद उमर ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि इमरान खान को लाहौर मुंतकिल करने का फैसला किया है, और ये बता रहे हैं कि इमरान खान को गोली लगी है, फायरिंग में 6 लोग जख्मी हुए, वो ये कहते हैं कि हमारे रहनुमा अहमद छट्टा शदीद जख्मी हैं, इमरान खान को लाहौर बाय रोड ले जाया जा रहा है, फायरिंग के वक्त वो कह रहे हैं कि मैं कंटेनर के ऊपर नहीं था, मैं कंटेनर के अंदर था। उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान को एक गोली लगी है और इस वक्त उनको ले जाया जा रहा है लाहौर बाय रोड, और मनाजिर आप वो देख सकते हैं, जब इमरान खान को कंटेनर से उनकी गाड़ी में मुंतकिल किया जा रहा था तो उनकी टांग पर हमें पट्टी बंधी हुई नजर आई, जबकि दूसरी जानब वो हमलावर जिसने फायरिंग की और वो शख्स जिसने रोकने की कोशिश की, और उसकी इस कोशिश की वजह से ये कहा जा सकता है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लोगों के जख्मी होने की खबर आई है, बहरहाल फायरिंग से जख्मी हुए हैं फैसल जावेद, जख्मी हुए हैं इमरान इस्माइल, जख्मी हुए हैं अहदेदार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अहमद छट्टा साहब, वो जख्मी हुए हैं, एक और नाम सामने आया है राशिद साहब का, वो जख्मी हुए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खुद भी जख्मी हुए हैं और उनको इस वक्त हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है, उन्हें लाहौर ले जाया जा रहा है, बाय रोड वो यहाँ से लाहौर उनको लेकर जाया गया है, उनकी टांग में जख्म आए हैं और उनकी टांग पर गोली लगी है, उनकी टांग पर पट्टी बंधी हुई थी और उनको गाड़ी में मुंतकिल किया गया उनके कंटेनर से फौरी तौर पर, और यहाँ से रवाना कर दिया गया। साथ ही वो तस्वीर भी सामने आ गई, हमलावर की तस्वीर भी सामने आ गई है, जब वो फायरिंग कर रहा है उसको रोकता हुआ शख्स भी हमें दिखाई दे रहा है, और उसके बाद हमने ये देखा कि फायरिंग के नतीजे में जो जख्मी थे उनके हवाले से खबरें आईं, उनके नाम सामने आ गए, बाद में जिस शख्स ने उस हमलावर को रोका उसको लोगों ने दाद और तहसीन वहाँ पर दी कि उसने एक बड़ा जुर्रत का मुजाहरा वहाँ पर किया, जबकि पुलिस उस शख्स को जो फायरिंग कर रहा था उसको यहाँ से
रवाना कर गई, ले गई यहाँ से गाड़ी में बिठाकर उसे अपनी हिरासत में लेकर चली गई है। जबकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लाहौर जा रहे हैं, उनको लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। दीगर जो लोग जख्मी हुए हैं जिनमें फैसल जावेद, इमरान इस्माइल हैं, उनमें से अब तक हमारे सामने फैसल जावेद की तस्वीर सामने आई है। और असद उमर ने जो हमें हमसे गुफ्तगू करते हुए बताया, उन्होंने कहा कि ग्रेज करती हुई गोली उनके चेहरे को जख्म लगाती हुई गई है। जबकि इमरान इस्माइल के हवाले से भी बताया कि उनको भी ग्रेजिंग आई है। कितना खतरनाक हो सकता था ये अगर इधर या इधर होती। उन्होंने बताया कि हम खैरियत से हैं, लेकिन उन्होंने इस वाकये पर अफसोस का इजहार किया। जी हाँ, ये आपको तमाम तर सूरतेहाल से आगाह कर रही हैं। इमरान खान के पाँव पे गोली लगी है। जैसे इमरान खान को मुंतकिल किया जा रहा था कंटेनर से गाड़ी के अंदर, तो वहाँ पर मौजूद जो पीटीआई के कारकुनान थे, इमरान खान ने हाथ उठा के सबको जो है ये बताया कि वो खैरियत से हैं। उन्होंने मुक्का बनाया और कहा कि जाने से पहले वहाँ से अटैक के बाद भी लाया। ये मनाजिर उस वक्त के हैं जब वो कंटेनर से गाड़ी में उन्हें मुंतकिल किया जा रहा था। उसके बाद देख सकते हैं इनको जख्म भी है पाँव पे गोली के, और उनको जो है देख सकते हैं कि गोली लगी थी। और कंटेनर से जब उनको गाड़ी में मुंतकिल किया जा रहा था, उन्होंने हाथ हिला के जो कारकुनान को वहाँ पर जो मौजूद थे उनको जवाब दिया, जो उनके लिए नारे लगा रहे थे। तो ये अब ताज़ा तरीन वो फुटेज आई है जिसमें इमरान खान साहब कंटेनर से अपनी गाड़ी में जख्मी हालत में मुंतकिल हो रहे हैं। उनकी टांग पर गोली लगी है। इमरान खान यहाँ पर लोगों के नारों का जवाब भी देने के लिए कुछ लम्हे को उन्होंने रुके, और हालांकि वो जख्मी है लेकिन उन्होंने लोगों के नारों का हाथ हिलाकर जवाब दिया। उन्होंने मुक्का भी बनाया। इमरान खान को आप देख सकते हैं काले लिबास में, इमरान खान अपनी गाड़ी में मुंतकिल हो रहे हैं। वहाँ पर मौजूद अमला उनकी मदद कर रहा है जबकि उनकी टांग पर गोली लगी हुई है। जो सीन था हमने देखा, इसके अंदर जो फुटेजेस चल रही थी वो भी देखी हमने। जो अटैक हो रहा था, जो हमला हुआ था, तो उसमें नीचे से आई आवाज़, ऊपर से आई आवाज़ ये नहीं दिखा उस टाइम पे, किसी को नहीं दिखा हुआ, लेकिन सब लोग झुक गए नीचे की तरफ। तो वो नीचे था, बाद में पता चला कि नीचे था वो इंसान जिसको हमने देखा अभी। तो उसके पीछे जो खड़ा था, कितना बड़ा काम किया है उस बंदे ने, उसका हाथ ऊपर किया या नीचे किया मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ शायद वो ऊपर ही कर रहा था या नीचे कर रहा था शायद, तभी वो टांगों की तरफ गई गोली, वरना वो ऊपर ऐसे करके कर रहा था। वो उसका हाथ पकड़ा हुआ उसने पीछे से, तो नीचे की तरफ किया, और उसको भी पब्लिक ने बहुत प्यार दिया बाद में। और जाहिर सी बातें प्यार देने वाली बात है, काम ही उसने इतना बड़ा किया है। तो हमने देखा उसके बाद क्या माहौल रहा वहाँ पर, कंटेनर पर सब झुक गए, लोग उतर के आए, इमरान खान को निकाला गया। 6 लोग इसमें बताए जा रहे हैं कि घायल हुए, ज़ख्मी हुए, उनके साथ जो एंकरिंग करते हैं वो भी घायल हुए हैं, फैसल जावेद। तो ये इतना बड़ा हादसा है, बहुत ज़्यादा बड़ा हादसा है। वो तो पब्लिक थी वहाँ पर, और देखो पब्लिक बहुत ज़्यादा है तो चांसेस रहते हैं कि हाँ कोई भी कुछ भी हो सकता है, अटैक हो सकता है। दूसरा चांस ये भी रह सकता है कि इमरान खान से इतना ज़्यादा प्यार करती है पब्लिक, सब चौकन्ने भी रहते हैं और आसपास अपनी एक्टिविटी को देख सकते हैं कि यार यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ क्या होने वाला है, किस पे डाउट हो किसी पर अगर, तो उसको रोक भी सकते हैं। जैसे इसमें रुका, वरना गोली जो यहाँ छूकर गई है कुछ लोगों के, तो वो कहीं भी हो सकती थी, कहीं भी हो सकती थी, या फिर वो निशाना जो था उसका, वो जो चूका है किसी शख्स की वजह से, तो वो कहीं भी हो सकता था। तो ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। खैर हुई है कि वो बचे हैं, बहुत बहुत बचे हैं, बहुत बहुत बचे हैं। और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अल्लाह बचाने वाला है, इस टाइप का कुछ स्टेटमेंट दिया है। तो ये ब्रेवरी है उनकी, और उन्होंने उनके उसके बाद निकले वो कंटेनर से, जब वो घायल हो गए उनके पैर में लगी, तो उसके बाद जो बाहर आए कंटेनर से, तो लोगों के सामने हाथ हिलाया, पावर शो की उन्होंने कि मैं हूँ अभी, बचाया है उसने, मैं हूँ अभी, मैं वापस आऊँगा। सो उस टाइप से कुछ देखने को मिला है, ये ब्रेवरी देखने को मिली है इस हादसे के बाद भी, कि उन पर गोली चली है। की सलामती की दुआ करें जिसके लिए, जिसको नुकसान हुआ है ज़्यादा, तो उनकी भी और बाकी सबकी जो इससे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इसको झेला है। तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।